महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी दो दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं, अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इसे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है और मेरा आग्रह है हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो इसके लिए
सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सब के बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है।